मुझे उदास कर गए हो। तो दोस्तों जो आपने वीडियो में वीडियो देखा, ये वीडियो आप कैसे बना सकते हो? तो दोस्तों आपने सिंपल काइंड मास्टर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद 16:9 का रेशो सिलेक्ट करना है। ये रेशो सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद इसकी लेंथ अपने हिसाब से रखनी है। मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 15 सेकंड तक कर लेता हूँ। इसकी लेंथ रखने के बाद आपने सिंपल लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद 2 PNG सिलेक्ट करनी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी SMS कर सकते हैं। तो सिंपल ये PNG सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो इसका मुँह इस तरह हो जाएगा। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसको बढ़ा कर देना है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद दोबारा आपने लेयर पे जाना है। दोबारा एक और PNG सिलेक्ट करनी है, जो यहाँ पर ये देखें पड़ी हुई है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपने इसकी भी लेंथ इसी तरह रख देनी है। रखने के बाद दोबारा इस PNG पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने ब्लेंडिंग में आना है। ब्लेंडिंग में आने के बाद आपने सिंपल इसको स्क्रीन कर देना है। दूसरी PNG पे भी इसी तरह आना है और इसको भी स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर हम इसको स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पर देखें, इसको भी स्क्रीन कर दिया और इसको भी स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन करने के बाद तो यहाँ पर हमने इसको भी स्क्रीन कर दिया। स्क्रीन करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर शायरी रखनी है। तो शायरी वो कहाँ से मिलेगी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये शायरी है, शायरी को यहाँ से नीचे आकर आपने इसको क्रोमा की कर देना है। क्रोमा की करने के बाद आपने सिंपल इसको नीचे इसी तरह एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने इसको ना कट कर देना है, जितना भी आप इसको लगाना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये शायरी हमने कर दी है। तो यहाँ पर इसको भी कट कर देते हैं और यहाँ से सिंपली इसको कट करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो सिंपली आपने नोड ऐप में आ जाना है। नोड ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहीं से हम वीडियो को अपलोड करते हैं। यहाँ पर FPS लिखा हुआ है, इसको कर देना है 60 करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं और यहाँ पर वीडियो में जाकर जो हमने वीडियो बनाया वही वीडियो यहीं से सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये इसी तरह आ जाएगा। थोड़ा सा इसको प्ले करते हैं। जैसे लिरिक्स आएगी पहली लाइन, तो आपने यहाँ पर इसकी ब्रेक लगा देनी है। ब्रेक लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसके प्लस को आपने क्लिक करना है। प्लस के क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, इस स्टोर में। तो इसको ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसको ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लो स्किन। ग्लो स्किन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ग्लो स्किन के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है 1.50, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख देना है रेडियस पे 3। तो इसी तरह लिखने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर कलर्स पे जाना है। कलर्स पे जाने के बाद इसका कलर्स फुल कर देना है। और इसी तरह इसका भी कलर ऐसे ही कर सकते हैं आप चेंज, अगर आप अपने हिसाब से रखना चाहें। तो ऊपर देखें, ये कलर चेंज हो रहे हैं आपके ही सामने। तो यहाँ पर हम इसको ना लाल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको रखने के बाद आपने सिंपल इसको ना ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने सिंपली नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रेन ड्रॉप्स आपके ही सामने, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लर, तो यहाँ पर आपको 10 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ब्लर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको कट कर देना है। कट करने के बाद ब्लर को 00 कर देना है। जैसे ही आप 00 करेंगे, तो आपके सामने वीडियो आपका बन के तैयार होकर आपके ही सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना खूबसूरत वीडियो लग रहा है। तो यहाँ पर आपने नीचे दोबारा यहाँ पर आना है। दोबारा आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट मोड। तो यहाँ पर देखें, ये जो अपलोडिंग वाली स्पीड नज़र आ रही है आपको, ये देखें नीचे, ठीक है। तो आपने सिंपल इस पे ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी जिसी भी मतलब के हाई में रखना चाहते हैं या लो में, तो उसी तरह आप इसको ना
एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो को आपको ना ग्रीन बटन नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट होते हुए इस एप्लीकेशन को आपने कहीं भी नहीं करना, इस एप्लीकेशन को आपने स्क्रीन से नहीं हटाना। अगर स्क्रीन से हटाएंगे तो ये आपका वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो ये था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को लाजमी से कर देना है सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा और आपको भी सिखाऊँगा कि वीडियोज़ कैसे बनती हैं। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।